इस क्वेश्चंस में दिया है कि एक रोड रोलर है जो कि 750 रिवॉल्यूशंस करता है एक रोड को लेवल करने के लिए। तो जनरली जो रोड रोलर होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो कुछ इस शेप का होगा, और ये एक रोड को रोल करने के लिए, इस पर लेवल करने के लिए रोल करता है। और ये दिया हुआ है कि इसका जो लेंथ है वो कितना है, 1 मीटर है, और इसका डायमीटर जो है वो दिया हुआ 84 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस रोड का एरिया कितना होगा। तो अगर ये 1 मीटर है तो ये भी कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, क्योंकि इसी लेंथ के अलॉन्ग ही ये रोल कर रहा है रोड पर। और ये कितना लेंथ होगा, ये लेंथ होगा क्योंकि 750 रिवॉल्यूशंस कर रहा है, तो 750 रिवॉल्यूशन इंटू ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस उतना, इंटू सर्कल सर्कमफ्रेंस वही इसके बराबर होगा, क्योंकि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस रोलर को 750 रिवॉल्यूशंस करना पड़ा। तो लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया, तो एरिया निकल जाए लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पर हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो कितना हो गया, सर्कमफ्रेंस और बराबर, सर्कल का सर्कमफ्रेंस बराबर 2πr इक्वल टू कितना हो गया, 2 × 22/7 इंटू आर कितना हो गया, डी बराबर है 84 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो गया, 84 / 2 = 42 सेंटीमीटर इंटू 42, ये हो गया सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ कट गया 6 इक्वल टू कितना हो गया, 264 सेंटीमीटर हो गया। ये 22 6 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है, 132 into 2 हो गया 264 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ रोड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, 750 इंटू सर्कल सर्कमफ्रेंस, सर्कल सर्कमफ्रेंस कितना है, 264, ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, इतना सेंटीमीटर, 750 इंटू सर्कल सर्कमफ्रेंस ये सेंटीमीटर हो, और ब्रेथ जो है आपका मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इंटू क्या होगा, ब्रेथ कितना है, 1, तो यहाँ पे ये हो गया, ये से ये कैंसिल, 5 से काटेंगे 2, और ये हो गया 15, और ये हो गया 132। तो 1 इक्वल टू कितना, 132 × 15 m². अब 132 में 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 132 × 15 कितना हो गया, 0662310891 इक्वल टू आ गया 1980 m². ये हो गया आपका आंसर, रोड का एरिया।